पार्टी के युवा अध्यक्ष, संसद में मेरे साथी श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य, संसद में मेरे साथी यहां के प्रभारी श्री ओम जी माथुर, सांसद श्री यशवंत सिंह जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी डॉक्टर संजीव बालियान जी, सांसद श्रीमान सत्यपाल सैनी जी, सांसद श्रीमान कंवर सिंह जी, सांसद एवं राज्य सह प्रभारी श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी खटीक, सांसद श्रीमान भारतेंद्र सिंह जी, सांसद श्रीमान सर्वेश सिंह जी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र सिंह, सांसद डॉक्टर नेपाल सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजय पाल सिंह, मुरादाबाद के नगर के अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र गुप्ता, मेयर श्री विनोद अग्रवाल जी, श्रीमान हरिओम शर्मा, श्रीमान ओम कुमार, राजीव सिसोदिया, विधायक श्रीमान लोकेंद्र सिंह जी, श्रीमान राजेश सिंगल, डॉक्टर जयपाल सिंह जी, श्रीमान सुरेश गंगवार जी, श्रीमान अशोक कटारिया जी, श्रीमान ऋषिपाल नागर जी, श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी, श्रीमान देवेंद्र सिंह जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज मुरादाबाद आने से पहले थोड़ा झिझक रहा था, थोड़ा संकोच कर रहा था। संकोच इस बात का कर रहा था कि मैं बहुत वर्षों के बाद मुरादाबाद आ रहा हूं। 2014 के लोकसभा के चुनाव के समय यहां के नौजवान मेरे पीछे पड़े थे कि मुरादाबाद आइए, लेकिन मैं आ नहीं पाया था। 2009 में आया था, उसके बाद मन में एक संकोच होता था कि जिस मुरादाबाद ने मुझे इतना प्यार दिया वहां पहुंचने में मुझे काफी देरी हुई है। मुरादाबाद के मेरे प्यारे भाइयों बहनों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। आपको लगता है कि ये लड़ाई जीतनी है, बेईमानी खत्म करनी है, तो खड़े होकर के तालियां बजाइए, जोर से तालियां बजाइए। बेईमानों को संदेश दीजिए, देश बेईमानों को स्वीकार नहीं करेगा, देश बेईमानी को स्वीकार नहीं करेगा, देश ईमानदारी की ओर चल पड़ेगा। आइए भाइयों बहनों, आइए हम सब मिलकर चले। 70 साल की बीमारी को बंद करनी है, 70 साल की बीमारी से देश को बचाना है। आइए मेरा साथ दीजिए, दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए भारत माता की। आवाज हर बेईमानों के रोंगटे खड़े कर दे ऐसी होनी चाहिए, हर बेईमान थरथरा करके कांपने लगे ऐसी होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।